नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बाज और मैं हूं आपके साथ आरुषि राय। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भारत का चुनाव में। भारत का चुनाव कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे फैजाबाद लोकसभा सीट की। दशकों से बनी हुई है इस सीट पर लोगों की नजर। बाबरी मस्जिद विवाद का रहा गहरा असर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने बदली सियासी हवा। फैजाबाद सीट पर कभी कांग्रेस का डंका बजता था। राम लहर में कांग्रेस को मिले कई झटके। अब बीजेपी के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका। फैजाबाद उत्तर प्रदेश का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। दशकों से लोगों की नजर इस सीट पर बनी रही है। बाबरी मस्जिद विवाद से लेकर भव्य राम मंदिर के निर्माण तक का सफर इस सीट ने तय किया है। अयोध्या शहर पहले फैजाबाद जिले में हिस्सा था, आज फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 6 नवंबर 2018 को छोटी दीपावली के दिन इस स्थान का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार 6 नवंबर 2018 को छोटी दीपावली के दिन इस स्थान का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, लेकिन संसदीय सीट अभी फैजाबाद के नाम से ही है। फैजाबाद सीट पर कभी कांग्रेस का डंका बजता था। 2009 के चुनावों में यहां कांग्रेस अंतिम बार जीती थी। आखिरी के दो चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशजनक रहा। कारण किसी से छुपा नहीं है। जी हां, राम मंदिर के मुद्दे ने सीट पर बीजेपी की राह आसान की। यही वजह है कि इस बार इस सीट से बीजेपी के पास जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा के बाद न सिर्फ जिले की फैजाबाद संसदीय सीट पर सियासी हवा बदल गई है, बल्कि पूरे यूपी में भी माहौल बना हुआ है। फैजाबाद सीट पर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लल्लू सिंह को जीत मिली थी। पिछले 10 साल से बीजेपी का यहां पर दबदबा बना हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच बीजेपी ने यह सीट भी अपने नाम कर लिया था। पूर्व विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह ने सपा के प्रत्याशी मित्र सेन यादव को 2,82,775 मतों के अंतर से हराया था, जबकि 2019 के चुनाव में लल्लू सिंह उनके बेटे आनंद सेन को हराया। लेकिन इस बार हार जीत का अंतर बहुत कम हो गया था। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी की ओर से लल्लू सिंह तथा समाजवादी पार्टी की ओर से आनंद सेन यादव मैदान में थे। आनंद पूर्व सांसद मित्र सेन यादव के बेटे हैं। लल्लू सिंह को इस चुनाव में 5,29,021 वोट मिले, जबकि आनंद सेन को 4,63,544 वोट आए। यहां पर मुकाबला अंत तक रोचक बना रहा। लल्लू सिंह ने 65,477 मतों के अंतर से यह कड़ा मुकाबला जीत लिया। फैजाबाद लोकसभा सीट पर साल 1957 में पहली बार चुनाव हुए थे। कांग्रेस के राजा राम मिश्र ने जीत दर्ज की थी। 1962 के चुनाव में कांग्रेस के ब्रिजवासी लाल ने जीत हासिल की। 1967 और 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस के रामकृष्ण सिन्हा लगातार दो बार सांसद रहे। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के चलते कांग्रेस ने सीट गंवा दी। 1977 के चुनाव में भारतीय लोक दल के अनंत राम यहां से सांसद बने। 1980 में कांग्रेस के जयराम वर्मा दोबारा यहां से कांग्रेस की वापसी कराने में सफल रहे। 1984 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में चली हवा के बीच हुए लोकसभा चुनाव में डॉक्टर निर्मल खत्री ने बड़ी कामयाबी हासिल की। 1989 के चुनाव में सीपीआई की मित्रा सेन ने चुनाव जीता। राम मंदिर की लहर में 1991 के चुनाव में विनय कटियार ने बीजेपी को पहली बार जीत दिलाई। वहीं राम लहर में कांग्रेस को झटके मिलते रहे। 1996 में भी विनय कटियार यहां से सांसद चुने गए थे, लेकिन 1998 के चुनाव में सपा के हाथों विनय कटियार को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 1999 में वो एक बार फिर चुनाव जीतने में सफल रहे। 2004 में बसपा से मित्र सेन यादव यहां से चुनाव जीते। इसके बाद 2009 में कांग्रेस से निर्मल खत्री उतरे और
सांसद चुने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लल्लू सिंह को उतारा और सफलता पाई, जिसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा के लल्लू सिंह ने यहां से जीत दर्ज की। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्ट्रीट बस के साथ। नमस्कार।